हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर कपिल धवन। आज मैं आपसे डिस्कशन करूंगा सैलरी के बारे में। एक वीडियो और बनाई हुई है मैंने, सैलरी पर बेस्ड है वो, लेकिन उसमें मैंने बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रोबेशन से पहले और प्रोबेशन के बाद में सैलरी कितनी रहती है, इस पर मैंने बात करी थी। यहाँ पर मैं बात करूंगा जो आप थंबनेल पर आपने देखा है कम्प्लीटली एज इट इज़। मैं इसके बारे में डिस्कशन करूंगा सैलरी के बारे में, जो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, ठीक है, इन सबकी सैलरी में कितना डिफरेंस रहता है उस पर मैं बात करूंगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर जो हैं उसमें भी आप जानते हो ग्रेड पे 6,000, ग्रेड पे 7,000, जहाँ इसको अपन बोलते हैं सीनियर स्केल, और ग्रेड पे 8,000 जिसको अपन बोलते हैं सिलेक्शन स्केल, ठीक है। उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर जिसको अपन बोलते हैं, जहाँ पर अपने लगता है पेमेंट 4, PV4, और PV4 कितनी बड़ी चीज़ है, इसके बारे में मैं आज आपसे डिस्कशन और करूँगा। इसके अलावा एक स्केल और होता है HAG स्केल, ठीक है, जो कि वो लगता है प्रोफेसर्स के लगता है वो, ठीक है। तो मैं इन सबको लेकर मैंने एक टेबल बनाई है और इस वीडियो के लिए मैंने काफ़ी मेहनत भी करी है, और मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये मैं ऑथेंटिसिटी के साथ बना रहा हूँ, ठीक है। आप चाहो तो इसकी PDF भी मुझसे ले सकते हो, उसमें सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं। बट मैंने क्या करा, इसका सिंप्लीफिकेशन कर दिया और इसको इतना सिंप्लीफाई कर दिया कि आपको, मैंने उस पूरी PDF का निचोड़ जो है सार, वो मैं केवल एक किस में ले आया, एक टेबल में ले आया। उस टेबल में मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है, मतलब बताऊंगा अभी आपको मैं, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की 6,000 ग्रेड पे से लेकर प्रोफेसर की 10,000 ग्रेड पे तक की जो सैलरी बनेगी, ठीक है, बेसिक पे और उस पर DA HRA लग के, जो आज के टाइम पर 2024 में जो भी सैलरी बनने वाली है वो कितनी सैलरी बनेगी, उस पर बेस्ड मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये, ठीक है, सैलरी पर बेस्ड है कम्प्लीटली ये, क्योंकि आपने बोला था कि सर एक बार सैलरी पर बेस्ड वीडियो बना दो, जिससे क्या है हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए। और अभी आप जब देखोगे ना सैलरी, अभी इनकी जब असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर प्रोफेसर तक आप जाओगे तो आप बोलोगे यार वाओ, ये इसको कहते हैं इंक्रीमेंट, तो ठीक है, जो एकदम से जो गैप आता है ना, बिल्कुल उछाल आता है सैलरी में, वो यहाँ पर आएगा, अभी जंप दिखेगा आपको भी यहाँ पर सैलरी में। और जब PV4 लगता है तो आप देखोगे कि 60,000 से भी ज़्यादा का डायरेक्ट क्या लगता है वहाँ पर, जंप लगता है एक, ठीक है, 60,000 से भी ज़्यादा का, आप देखना अभी यहाँ पर, ठीक है। उसमें क्या होगा, उसमें मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर से आप एसोसिएट प्रोफेसर बनोगे और आपकी सैलरी में बेसिक में एकदम से जंप आएगा। तो वो कैसे आएगा जंप, उस पर अपन अभी देखते हैं, ठीक है, देखना भैया ध्यान से। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ सैलरी किसकी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, इन सबकी सैलरी के बारे में बात करूंगा। और यहाँ पर ये सैलरी देखो, यहाँ पर मैं आपको ग्रेड पे ही बताऊंगा और ग्रोथ सैलरी बताऊंगा। देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ इसका ऑथेंटिक सोर्स क्या है, जो मेरे को ये आयुक्तालय की वेबसाइट पर, जो अपना आयुक्तालय है शिक्षा संकुल, इनकी वेबसाइट पर मेरे को एक PDF मिली, ठीक है। उस PDF में ये सारी चीज़ें मेंशन है, उसमें क्या मेंशन है देखना, देखना ध्यान से, इसमें ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पर भी है, असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ भी है, असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ भी है, ग्रेड पे 6,000, ग्रेड पे 7,000, ग्रेड पे 8,000, और इनकी जो रिवाइज्ड पे है, इनकी जो रिवाइज्ड पे है अकॉर्डिंग टू 2022 के अकॉर्डिंग है ये वाला ऑर्डर, ठीक है। इसमें ये काफ़ी बड़ा ऑर्डर है, ये पूरी PDF है, लेकिन इसमें से मैंने ये छोटा सा पेज आपके सामने लेकर आया हूँ काट के। देखो इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बेसिक पे है वो कितनी है, इसको अपन बोलते हैं AL10। हाँ जी, मैं आपको एक बात और बता दूँ, मैंने जब सैलरी वाली वीडियो बनाई थी तो उस पर एक कैंडिडेट था, उन्होंने कमेंट किया था, ठीक है, क्योंकि उनको इतनी नॉलेज नहीं होगी, उन्होंने कहा था कि सर 6,000 ग्रेड पे की जो सैलरी होती है उस पर जो बेसिक पे होता है, ठीक है, उस वो होता है 60,700। तो भैया 60,700 नहीं होता, आप खुद देख लीजिए कि यहाँ पर ग्रेड पे कितना है। हाँ जी, AGP आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कितना है, मतलब ग्रेड पे 6,000, उस पर अपन बोलते हैं इसको एकेडमिक लेवल 10, AL10 बोलते हैं इसको, और यहाँ पर आपकी जो एंट्री पे होती है, ठीक है, बेसिक पे कितनी रहेगी आपकी, 57,700। अभी मैंने इसको, ये तो आपको इस तरीके से दिख रहा है, मैंने इसको सिंप्लीफाई करके अभी नेक्स्ट पेज पर आप देखोगे नेक्स्ट स्लाइड में कि मैंने उसको टेबल फॉर्म में बना दिया है, तो आपको देखना बहुत आसान हो जाएगा और भी, ठीक है। हाँ जी, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो ग्रेड पे 7,000 होती है, क्या होती है ग्रेड पे 7,000, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उसको बोलते हैं अपन AL11, ठीक है, और यहाँ पर आपकी जो बेसिक पे होती है वो 68,900 होती है, क्लियर। इधर देखना असिस्टेंट प्रोफेसर की जो ग्रेड पे है 8,000, उस 8,000 ग्रेड पे पर यहाँ पर आपका जो बेसिक बनेगा कितना बनेगा, 79,800, मतलब इसको अपन बोलेंगे AL12, ठीक है, एकेडमिक लेवल 12, क्लियर। यहाँ तक आप क्या रहोगे, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर रहोगे, लेकिन जैसे ही आपकी ग्रेड पे 9,000 होती है, मतलब आप एसोसिएट प्रोफेसर बनते हो, तो भैया यहाँ पर लगता है आपकी PB4, क्या लगता है आपके PB4, मतलब पे बैंड 4 लगता है, और पे बैंड 4 लगता है तब देखो अपनी सैलरी यहाँ से 79 से, ठीक है, 79,800 से आपकी मतलब बेसिक पे डायरेक्ट कितनी हो जाती है, 1,71,400, मतलब देखो कि 50 के से भी ज़्यादा यहाँ पर क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। तो ग्रोथ सैलरी में तो कितना डिफरेंस आया, क्योंकि DA HRA भी लगेगा इसके ऊपर अभी, ठीक है। और यहाँ पर आगे देखते हैं अपन प्रोफेसर की सैलरी, ठीक है, वहाँ पर जो प्रोफेसर का जो ग्रेड पे होता है कितना होता है 10,000, वहाँ पर इनका बेसिक पे कितना है भैया, 1,44,200, 1,44,200, तो ये तो केवल ग्रेड पे है, सॉरी बेसिक पे है, तो ठीक है। और प्रोफेसर के उसके बाद क्या लगता है, HAG स्केल लगता है, और इस पर आप देखोगे कि यहाँ पर बेसिक पे कितनी रही है, 1,82,000, हाँ जी 200 रुपये,
ये है इनकी बेसिक पे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, आपको आज के हिसाब से देखो, पहले मैं आपको बताऊँ इनका जो सैलरी जो बनती है आपकी वो किस तरीके से बनती है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर हुए, एसोसिएट प्रोफेसर हुए, प्रोफेसर हुए, इनकी सैलरी जो किस तरीके से बनती है उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले तो जो आपकी ग्रेड पे होती है उसके अकॉर्डिंग बेसिक पे होता है, ठीक है। बेसिक पे जैसे ये हुआ, इस ये वाले ग्रेड पे के लिए ये वाला इस तरीके से बेसिक पे होते हैं। बेसिक पे हो उसके बाद में उस पर जुड़ता है क्या, इस मतलब HRA और DA। अब DA जो जुड़ेगा, जो अब DA का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस, जिसको बोलते हैं अपन हिंदी में महंगाई भत्ता। तो महंगाई भत्ता इसमें क्या होगा, जुड़ेगा। अब वो कितना जुड़ेगा, जो उस टाइम उस गवर्नमेंट का होगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उसमें जुड़ेगा, और अगर आप किसी स्टेट गवर्नमेंट की हो तो स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जुड़ेगा। और उसमें जुड़ता है HRA। अब HRA जो होता है वो जुड़ता है तीन बेसिस पर, एक तो एक्स सिटीज, एक वाई सिटीज और एक जेड सिटीज। एक्स सिटीज में आती है कौन सी सिटी, जो कि होते हैं महानगर, ठीक है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कानपुर, इस तरीके से ये होती हैं सिटीज, ठीक है। बाकी जो वाई सिटीज़ हैं, वाई सिटीज़ में आते हैं जैसे कि अपने जयपुर है, और बाकी जो राजस्थान में मोस्टली जो सिटीज़ हैं, मैक्सिमम सिटीज़, वो किस में आती हैं, जेड सिटीज़ में। अब देखो, जेड सिटीज़ जो आती है राजस्थान में मैक्सिमम, इनमें जो आपको HRA मिलेगा वो मिलता है 9%। कितना मिलता है, 9, जो कि अभी हो जाएगा 10, ठीक है। जब आपका DA 50% से ऊपर बढ़ेगा तो आपका HRA कितना हो जाएगा, 9 से हो जाएगा 10, ठीक है, किसके लिए, फॉर जेड सिटीज़। और जो वाई सिटीज़ है वहाँ पर आपको जो HRA मिलता है वो मिलता है 18%, वो हो जाएगा आपके 20%, ठीक है। और जो एक्स सिटीज़ हैं उनमें आपको अभी HRA मिलता है वो मिलता है कितना, 27%, जो हो जाएगा 30%। तो मैं आपको क्या करूँगा, अभी जो सैलरी बताऊँगा, ग्रोथ सैलरी बताऊँगा इन बेसिक पे के अकॉर्डिंग, वो मैं लेके चलूँगा। DA तो सबके लिए सेम रहता है, चाहे किसी भी सिटी में हो, लेकिन जो HRA होता है वो अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग होता है, 9, 18, 27, जो अब कितना हो जाएगा, 10, 20, 30 के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। मतलब जेड सिटी, वाई सिटी और एक्स सिटी के अकॉर्डिंग, जो मैंने अभी बोली ये बात, क्लियर। मैं आपको मिनिमम लेके चलूँगा HRA, और मिनिमम मतलब मैं आपको लेकर चलूँगा जेड सिटीज़ के अकॉर्डिंग, और जेड सिटीज़ के अकॉर्डिंग जो HRA मैं लेकर चलूँगा, DA हो जाएगा उसमें, साथ में बेसिक पे, इसके अकॉर्डिंग जो आपकी ग्रोथ सैलरी बनेगी वो कितनी बनेगी, वो आपके सामने ये रही, और ये आपके सामने आ गई, ये रहा देखो, इसमें बहुत टाइम लगा था मेरे को बनाने में, आपको मैंने बता दिया ये। देखो इसको आप खुद भी देख सकते हो, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे कोई समस्या नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा समझा देता हूँ उसके बारे में, एक के बारे में, ठीक है। देखो मैंने आपको बोला था कि तीन ग्रेड पे, मतलब 6,000, 7,000, 8,000, ये तीन जो ग्रेड पे हैं इसके अकॉर्डिंग तो आपका जो डेजिग्नेशन रहेगा, पोस्ट का नाम रहेगा, वो क्या रहेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर तो आप क्या हो, केवल 6,000 ग्रेड पे पर, यहाँ पर आपकी सीनियर स्केल लग गया, यहाँ पर आपकी सिलेक्शन स्केल लग गया, ठीक है। बेसिक पे मैंने आपको बताई थी, जो भी अपन देख कर आए हैं लास्ट जो अपनी स्लाइड थी उसमें, ठीक है। DA देखो अभी क्या चल रहा है, 50%, जैसे ही 50% से ऊपर होगा ये जो HRA है ये भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मैंने किसके लिए बोला है, ये जेड सिटीज़ के लिए, मैंने किसके लिए बोला है भैया, जेड सिटीज़ जो हैं, मैंने बोला ये जेड सिटीज़ के लिए, क्लियर। ये लो तो जेड सिटीज़ के लिए कितना है अभी, 9%। अगर कोई जयपुर में है, ठीक है, तो उस टाइम उनके लिए कितना हो जाएगा ये, 18%, ठीक है। और अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में है और वो रहता है महानगर में, दिल्ली मुंबई में, तो उनके लिए ये जो HRA कितना हो जाएगा, 27%। और अभी ये बढ़ता है, जैसे ये DA अगर 50 से ऊपर होगा तो ये कितना हो जाएगा, 30% उनके लिए, और अपने लिए कितना हो जाएगा, 9 से लेकर 10, क्लियर है। तो इस तरीके से अगर ये मैंने मिनिमम लिया है HRA भी, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर 6,000 ग्रेड पेपर है, उसका बेसिक पे कितना है, 57,700, इस पर 50% DA जुड़ेगा और 9% का जुड़ेगा HRA, तो मतलब कितना हो गया, 59%। तो 59% जब इसमें ऐड होगा तो आपकी ग्रोथ सैलरी कितनी बन के आएगी भैया, 91,743 रुपये, ये रहेगी आपकी। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रोबेशन के जस्ट बाद ही, प्रोबेशन खत्म हुआ या सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो डायरेक्ट कम से कम इतनी सैलरी तो मिलेगी उनको, ठीक है। और सेंटर में तो वैसे ही HRA ज़्यादा होगा तो और ज़्यादा होती है उनकी, तो और थोड़े अलाउंसेस भी ज़्यादा होते हैं सेंटर में। हाँ जी, असिस्टेंट प्रोफेसर अगर 7,000 ग्रेड पेपर है तो बेसिक उनका कितना है, 68,900, 50% DA और 9% HRA जुड़ के उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 1,09,551 रुपये, ठीक है। वही उनकी ग्रेड पे जैसे 8,000 होती है, मतलब सिलेक्शन स्किल उनके लग जाता है, तो बेसिक पे उनकी कितनी होती है, 79,800, उस पर DA HRA जुड़ के कितनी हो जाएगी, 1,26,882 रुपये, ठीक है। यहाँ से अब लगेगा आपकी PB4, पे बैंड फोर जो लगता है वो एसोसिएट प्रोफेसर के लगता है, ये रहे एसोसिएट प्रोफेसर, उनकी ग्रेड पे होती है 9,000 और उनका बेसिक पे कितना होता है, 1,31,400। मैंने आपको बोला था सीधा जंप मारता है ये PB4 लगता है तभी, ठीक है, इतना बड़ा जंप है ये बेसिक पे में ही। अब इस बेसिक पे पर 50% DA और 9% HRA लग के ये सैलरी कितनी पहुँच जाएगी डायरेक्ट, 1,26 से, हाँ जी, 2,08,000। अभी मैंने यहाँ पर इंक्रीमेंट की बात नहीं की है, जो इंक्रीमेंट आपके हर साल 1 जुलाई को लगते हैं, 3-3% ऑफ, उस समय क्या होता है, 3% जो बेसिक होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है, वो चीज़ अलग है, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। ये तो क्या है, स्टार्टिंग है, मतलब अगर आपकी ग्रेड पे 9,000 है, 9,000 पर इस यहाँ से स्टार्टिंग होगी आपकी सैलरी 2,08,926 से। अब वो हर साल आपके 3% इंक्रीमेंट लगेगा, वो अलग है, ठीक है, वो लगता रहेगा।
उसके बाद बात करें प्रोफेसर की, तो प्रोफेसर की ग्रेड पे 10,000 होती है, बेसिक पे इनका 144,200 है, 50% DA और 9% HRA के साथ इनकी सैलरी कितनी बनती है भैया, 229,278 रुपये। और जैसे ही इनके HAG स्केल लगता है, ठीक है, HAG स्केल लगेगा ग्रेड पे तो वही रहेगी, और इनका बेसिक पे कितना हो जाएगा, 182,200 रुपये, लगभग 38,000 का और जंप आ गया इसमें, ठीक है। हाँ जी 38 ही हुआ ना ये, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, बाकी देख लेना। 50% इसमें क्या लगा DA और 9% HRA लग के आपकी जो ग्रोस बनी वो कितनी बनी, 289,698 रुपये। तो जिस हिसाब से आप देखते हो ना कि औरों की से जो मतलब प्रोफेसर की सैलरी होती है वो लाख में होती है, 2 लाख 1.5 लाख 2 लाख इस तरीके से होती है, ठीक है, और ये अच्छे खासे जंप मारती है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंक्रीमेंट बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए लोग इस जॉब को पसंद करते हैं, और इसको इंडिया की सब सर्वश्रेष्ठ जॉब में माना जाता है, सबसे शानदार जॉब में माना जाता है, सबसे रॉयल जॉब में माना जाता है, किसको, असिस्टेंट प्रोफेसर को, ठीक है। यही रीज़न है, एक तो सैलरी, और दूसरा इसमें क्या है, इसका वर्क प्रोफाइल बहुत अच्छा है। इस पर वैसे मैंने वीडियो बनाई हुई है जॉब प्रोफाइल को लेकर, उसको आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब प्रोफाइल किस तरीके से रहता है, उस पर कितना वर्कलोड रहेगा, ठीक है, और उसमें कितनी लीव वगैरह मिलती है, वो सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताई हुई है, ठीक है। यहाँ पर मैंने सैलरी पर बात करी है, तो सैलरी को देखकर आप थोड़ा मोटिवेट हो सकते हो। आपने काफ़ी बार कहा था कि सर असिस्टेंट एसोसिएट मतलब सबकी एक बार सैलरी बता दो हमें, कितनी कितनी सैलरी होती है, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल सके, क्योंकि सैलरी को अपन बहुत अच्छा मोटिवेशन मानते हैं, और ये है भी, ठीक है, क्योंकि इस ये जॉब ऐसी है जिसमें सबसे ज़्यादा आपकी सैलरी रहती है, और साथ ही साथ वर्कलोड आपके पास उतना नहीं रहेगा जितनी अदर जॉब में रहता है, तो इसके बहुत अच्छे फायदे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के। तो अब आप इतना मोटिवेट हो जाइए कि अब जो ये वैकेंसी है, जिनका जिन्होंने भी एग्जाम दिया है, जिनका इंटरव्यू होने वाला है, तो इंटरव्यू के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहना और बहुत अच्छे से इंटरव्यू देना, ठीक है। और जो नई वैकेंसी आने वाली है अभी 2025 के एंड में या 26 में जो वैकेंसी आएगी, नेक्स्ट वैकेंसी, ठीक है, उस वैकेंसी के लिए सभी प्रिपेयर हो जाएं, और अच्छे से अभी नेट वगैरह जो लोग नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो नेट की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें, क्योंकि आपको ही देखना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। तो ये सैलरी रही, और भी आपके अगर कोई डाउट हो सैलरी को लेकर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और किसी भी तरीके से हमें पूछ सकते हैं। आप मेरे को मेल कर देना, या फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उससे आप जुड़ जाना, ताकि उसमें मैं आपका प्रॉपर रिप्लाई कर दूँ, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।